मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। मन की बांधी हुई कोई भी सीमा मन ही तोड़ सकता है। मन जो चाहता है और जो मानता है वो पाकर ही रहता है। दोस्तों, इस बात की जिंदा मिसाल है डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया। अपनी आयु की चालीसी को पार करने के बाद आम आदमी अक्सर अपनी प्रवृत्तियों को कम करने की सोचता है। जीवन में स्थिरता चाहता है, सलामती चाहता है, मगर डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया की सोच कुछ अलग ही थी। अपनी 40वीं सालगिरह के बाद उन्होंने अपने जीवन का कुछ अलग और बहुत ही ऊंचा लक्ष्य तय किया, और वो लक्ष्य था मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर में से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रेरणादायी ट्रेनर बनने का। अपने लक्ष्य निर्धार के बाद 10 साल में डॉक्टर अढ़िया ने प्रेरणा का झरना सेमिनार से इतनी शोहरत हासिल कर ली कि आज न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के कई देशों में उनके कार्यक्रम धूम मचा रहे हैं और इतनी तादाद में हो रहे हैं कि एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका स्थान होगा। गुजरात के आम परिवार में जन्मे डॉक्टर अढ़िया ने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर MD की उपाधि हासिल की। एक डॉक्टर की हैसियत से अपनी 30 साल की कारकिर्दी में उन्होंने एक आश्चर्यजनक सच को खोज निकाला। उन्होंने देखा कि इंसान की सोच, शब्द और मान्यताओं का एक जबरदस्त असर उसके स्वास्थ्य पर होता है। सोच और मान्यताएं इंसान में बीमारियां पैदा भी करती है और दूर भी करती हैं। अपने पढ़ाई के शौक ने डॉक्टर अढ़िया को इस विषय में और भी जानकारी प्रदान की और वे तन और मन के परस्पर के गठबंधन के विषय में गहन अभ्यास करते रहे। इस अभ्यास के अंतर्गत डॉक्टर अढ़िया ने अलग अलग देशों के अलग अलग जन समुदाय की मानसिकता का अभ्यास किया। उन्होंने देखा कि कोई इंसान अगर सुख नहीं पा रहा है तो उसका अर्थ यही है कि जरूर उसके अंदर से कुछ उसे रोक रहा है। जैसे जैसे उनकी यह पढ़ाई, चिंतन, खोज और अनुभव बढ़ते गए, वैसे वैसे दूसरे लोगों तक इन बातों को पहुंचाने की उनकी इच्छा भी बढ़ती चली और इस तरह से जन्म हुआ डॉक्टर अढ़िया की प्रथम पुस्तक प्रेरणानुझरणों का। कुछ ही समय में प्रेरणानुझरणों पुस्तक गुजराती भाषा में नंबर 1 बेस्ट सेलर बन चुकी और विश्व भर में फैलती चली। इस सफलता के बाद उसका हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु और पंजाबी में भी अनुवाद हुआ। साथ साथ मन को मुख्य विषय बनाकर डॉक्टर अढ़िया ने अर्ध जागृत मन, याद शक्ति, आंतरमानवीय रिश्ते, व्यक्तित्व विकास, दाम्पत्य जीवन और लीडरशिप के विषय में प्रवचन और सेमिनार शुरू किए। बहुत कम श्रोताओं से शुरू हुए इस सेमिनार की ख्याति के बढ़ते हुए भारत भर में उन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं के अलावा अन्य व्यावसायिक संगठन, सरकारी और अर्धसरकारी संस्थाओं तथा कई व्यापारी और औद्योगिक संस्थाओं में भी उनके सर्वांगी विकास हेतु कार्यक्रम दिए। मन के विषय में फैलती जा रही जागरूकता की बदौलत ही डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया को हॉलीवुड के फिल्मी सितारों से लेकर सन्यासियों तक और राजनेताओं से लेकर उद्योगपतियों तक अपनी बातों को पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत के अलावा डॉक्टर अढ़िया ने बांग्लादेश, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, दुबई और फ्रांस की शैक्षणिक यात्रा की और बैंकॉक, गांजाओ, हांगकांग, शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, न्यूजर्सी, सांता मारिया, सान डियागो, सान फ्रांसिस्को, डलास, राले, लंदन और जोहानिसबर्ग में भी बहुत सारे कार्यक्रम दिए। डॉक्टर अढ़िया की मन से जुड़ी इन प्रवृत्तियों को भारत के प्रमुख समाचार पत्रों, मैगजीनों, रेडियो और टीवी चैनलों में भी स्थान मिला। इसके अलावा विदेशों में भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डॉक्टर अढ़िया के खास इंटरव्यू प्रकाशित किए। अर्ध जागृत मन की अनंत शक्तियों के विषय में
डॉक्टर अढ़िया सालों से बिल्कुल सरल और आम आदमी की भाषा में ज्ञान फैला रहे हैं, मगर ज्ञान के साथ इन शक्तियों का उपयोग करने के कौशल की भी समाज की जरूरत को देखते हुए उन्होंने अत्यंत ही वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया अढ़िया माइंड पावर वर्कशॉप, जिसमें लोगों को अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का उपयोग करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके उपयोग से हर इंसान तन मन और धन की समृद्धि के अपने निर्धारित लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। देश विदेश में अनगिनत लोग डॉक्टर अढ़िया के इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और लाभान्वित होकर प्रगति कर रहे हैं। सकारात्मक साहित्य प्रसार हेतु डॉक्टर अढ़िया ने अनेक विषय पर कई समाज उपयोगी प्रकाशन भी लोगों के हाथों में रखे हैं। विश्व के ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों तक मन के विज्ञान का यह संदेश पहुंचे और पूरे विश्व में सकारात्मकता फैले, ऐसे अपने मिशन को सफल बनाने के लिए ही डॉक्टर अढ़िया ने 1000 ह्यूमन ट्रेनर तैयार करने के भगीरथ कार्य का आरंभ कर दिया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी और उपयोगी विरासत छोड़ जाने का डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया का लक्ष्य मन यूनिवर्सिटी के रूप में मूर्तिमंत हो रहा है। डॉक्टर अढ़िया द्वारा शुरू की गई सकारात्मकता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए आपको भी हमारा निमंत्रण है। जीवन में सर्व प्रकार से श्रेष्ठता हासिल करने में मदद करने वाली कई बातों को उजागर करने के लिए ही प्रस्तुत है आज का यह कार्यक्रम। इस बेहतरीन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिलों को छू जाने वाली इन बातों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं मानव मन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तज्ञ डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया।